अमित शाह जी जो बोल रहे थे पलटू राम और भ्रष्टाचार, ये बात जो है खुद नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश में अमेरिका से आने के बाद जो है क्या नहीं कहा। ये लोग चाहे प्रधानमंत्री बोलें चाहे गृह मंत्री बोलें, ये सब जो है इनके इनको जो भय हो गया है मन में ये कि अगली सरकार हम नहीं बना पाएंगे, उस भय की ये बोली निकल रही है, उसी तरह की भाषा जो है बोल रहे हैं। मतलब बताइए, अमित शाह गृह मंत्री हैं, आज के दिन फिर मणिपुर में हिंसा हो गई और आप बैठे हुए हैं दिल्ली में। आप लोगों ने जो देश की हालत बना दी है, फूट करो राज करो, अंग्रेजों से सीखा है आपने, आप मणिपुर में वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमारे अमित शाह जी ने कहा कि जो समतली ज़मीन है जहाँ मैथिल लोगों की आबादी है उसको आप संभालिए, और जो पहाड़ी इलाका है जहाँ कुकी और नागा लोग रहते हैं उसको हम देखेंगे। मतलब बताइए, आज तक किस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई कि एक राज्य में दो तरह का प्रशासन हो। तो राज इन लोगों से नहीं चल रहा है, ये मैंने होश हवास खो बैठे हैं, और उसी में किसी को पलटू राम कह रहे हैं, किसी को भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। यही तो कर रहे थे, क्या नाम है, कर्नाटक में भी यही अमित शाह हैं जिन्होंने कहा, और प्रधानमंत्री जी दोनों ने ये बात कही कि हम 50% प्लस 15 जो है सीट हम वहाँ लेके आएंगे। हिमाचल प्रदेश में यही कहा, यहाँ भी वही कह रहे हैं। 39 सीट मिली थी, सही बात है, 39 सीट आपको मिली थी, किसके बदौलत मिली थी? नीतीश कुमार के बदौलत आपको मिली थी। नीतीश कुमार आज आपके साथ नहीं है, आज लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों एक साथ मिल गए हैं। याद कीजिए 2015 में क्या हुआ था, गली गली में आपने धुन फाका था अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, रिजल्ट क्या निकला था ये भी सबके सामने है। इसलिए जो कुछ वो बोले हैं, वो जो एक दिमाग पर जो हार का भय है, उस भय का इजहार उन्होंने किया था, इसके अलावा कुछ था नहीं वहाँ।